स्टूडेंट, स्वागत है आपका भूपेंद्र शॉर्ट हैंड यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो का लेक्चर हमारा मैथ का लेक्चर है। ये हमारा पहला लेक्चर है। इसमें आपको हर चीज़ ट्रिक से और शॉर्ट तरीके से मैथ पढ़ाया जाएगा और हर सवाल आपको कराया जाएगा। तुमने और कहीं देखा होगा कि थोड़े सवाल करा दिए, लेकिन हर सवाल एक एक सवाल आपको कराया जाएगा। तो बिल्कुल स्टार्टिंग से है, अगर कभी किसी ने कोई मैथ नहीं पढ़ा तो परेशान दिक्कत मतलब ये बिल्कुल स्टार्टिंग से पढ़ाया जाएगा, बिल्कुल स्टार्टिंग से। तो देखते हैं कैसे। सबसे पहले मैंने ये कुछ संख्या लिख रखी हैं। इस संख्या में ये बिल्कुल बेसिक है, एकदम बेसिक। अगर ये नहीं पता तो समझ लो मैथ नहीं कर सकते आप। ये संख्या, अब हमें पहले ये पता करना चाहिए कि कौन दो से कटता है, कौन किससे कटता है। तो दो से विभक्त होने का नियम, दो से विभक्त का नियम, कौन सी संख्या दो से कटती है, तो इसका पता कैसे लगाएंगे कि जिस संख्या में इकाई का अंक, जिस संख्या में इकाई का अंक या आखिर का अंक, जिस संख्या में इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 या सम हो वह दो से कट जाएगी। तो ध्यान रखेंगे, दो से कौन सी कटेगी, जिसका इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो या दो से वो कट जाए। जैसे ये दो है, ये कटेगी, ये कट जाएगी, ये नहीं कटेगी, ये कट जाएगी, ये कट जाएगी, ये कट जाएगी, ये नहीं कटेगी और ये कट जाएगी। बात समझ में आई कि नहीं आई। चाहे कितनी लंबी चौड़ी सीरीज हो, उसके लिए बस ये देखना है आखिर का अंक 0, 2, 4, 6, 8 या एक सम संख्या हो तो समझ जाना हो दो से कटेगी। अगर ये नियम याद नहीं है तो आप मैथ नहीं कर सकते, इसलिए इन नियम को ध्यान से सुनना है। अब है तीन से विभक्त होने का नियम, तीन से विभक्त होने का नियम। तीन से कौन सी कटेगी, तीन से वो कटेगी, तीन से कि जिसका आप योग कर लो। आप तो मैं डायरेक्ट देखते हैं, बहुत से लोग एकदम डायरेक्ट काट देते हैं। वो कैसे काटते हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ कि इसमें तीन से कैसे कटेगी। कोई से भी डिजिट ले लो, उसका आप योग कर लो, और अगर वो योग तीन से कट गया तो कटेगी, और तीन से नहीं कटा तो नहीं कटेगी। जैसे इनको जोड़ लो, 2 और 3 कितने हो गए 5, 5 और 5 कितने हो गए 10, और 7 कितने हो गए 17, और 9 कितने हो गए 25। क्या 25 तीन से कट सकता है, नहीं कट सकता, ये संख्या नहीं कटेगी। आगे बढ़ जाओ, कितना हुआ ये 6, 4, 10, 8, 18, और 5 कितना हो गया 23, और 7 कितना हो गया 30। इसका योग करके कितना आ रहा है 30, और 30 क्या होगा तीन से कट जाएगी, तो 30 तीन से कट जाएगा, तो इसका मतलब ये संख्या कट जाएगी। ऐसी सभी संख्याओं को हमें चेक करना है। यानी तीन से विभक्त होने का क्या नियम हो गया, सबका योग करो, सबका योग करो, और वह योग तीन से कटना चाहिए। अगर तीन से कट गया तो समझ लो तीन से कटेगी, और तीन से नहीं कटा तो नहीं कटेगी। ये नियम बहुत ही इंपॉर्टेंट नियम है। अब हमें पता करना है 9 से। मैंने 9 इसलिए लिखा क्योंकि 3 के जैसा ही, इसलिए 9 भी लिख दिया यहाँ हाथों हाथ। 9 से विभक्त का नियम, 9 से कौन सी कटेगी, 9 में भी वही नियम है, उस संख्या का योग कर लो, और अगर वह योग 9 से कट गया, इसमें भी योग करो, और वह योग अगर 9 से कटा तो समझ जाना योग 9 से कटेगी, और 9 से अगर योग नहीं है तो नहीं कटेगी। जैसे जोड़ के देख लेते हैं, शायद कितना होगा भैया 7 और 5 12, और 4 16, और 6 कितने हो गए 22, और 2 24, और 3 27। 27 आ रहा है भाई इसका योग, और 27 9 से पूरी तरह से कट जाएगा, तो इसका मतलब ये संख्या कट जाएगी। यानी 27 बटे 9, 9 तिया 27, यानी अब ये संख्या 9 से कट जाएगी। ऐसे आप योग करेंगे, और वह योग जो 9 से कटना चाहिए, 3 का भी यही नियम है, योग करो और वह योग 3 से कटना चाहिए। अब आता है 4 से विभक्त होने का नियम। कोई भी 4 से कैसे काटेंगे, जब कैलकुलेशन करते हैं तो सबसे ज़्यादा समस्या ये होती है कि तुम देखते होंगे कोई भी जो पढ़ने बढ़िया होता है वो एकदम कहता है कि इसे 4 से काट दो, इसे 5, कितनी लंबी छोटी डिजिट हो ऐसा उससे काट दो, 4 से काट दो, 8 से, तो वो कैसे करते हैं, उनको ये नियम याद होते हैं,
इसलिए आपसे कह रहे हैं कि ये नियम याद करने हैं। अब चार से विभक्त होने का नियम चार से कैसे कटेगी, चार से ये संख्या दिख रही है तो इसका एक शॉर्टकट तरीका देखो, अगर आखिर के दो अंक, आखिर के दो अंक, आखिर के दो अंक चार से कट गए, चार से कटने चाहिए, ये चार का नियम है, आखिर के दो अंक चार से कटने चाहिए। जैसे कितनी लंबी चौड़ी सीरीज है इसमें और जोड़ दो तुम, आठ छः तीन दो कुछ भी जोड़ दो, आखिरी के दो डिजिट क्या हैं, बत्तीस, क्या बत्तीस चार से कट रहा है, कट रहा है, चार अट्ठे बत्तीस कट रहा है, इसका मतलब ये पूरी सीरीज चार से कट जाएगी, यानी अगर आप इसे चार से भाग दोगे तो शेषफल जीरो बचेगा। ऐसे आखिरी के दो अंक क्या चौरासी, क्या चौरासी चार से कट जाएगा, बिल्कुल कटेगा, चार दुनिया चार एक चार कट जाएगा, इसका मतलब ये भी चार से कट जाएगी। आखिरी के दो अंक क्या तेईस, क्या चार से कटेगा, नहीं कटेगा, तो ये संख्या चार से नहीं कटेगी। तीस चार से नहीं कटता तो ये भी नहीं कटेगी। बत्तीस चार से कट जाता तो ये कट जाएगी। सोलह चार से कटेगा ये कट जाएगी। पैंतालीस नहीं कटता ये नहीं कटेगी। और बयासी भी नहीं कटता तो ये भी नहीं, यानी आखिरी के दो अंक अगर चार से कट गए तो समझो चार से कटेगी वरना नहीं कटेगी। इसके बाद आता है आठ का नियम, आठ से विभक्त होने का नियम। आठ का यहाँ क्यों लिखा है, क्योंकि लगभग इसी के जैसा है। चार में हम आखिरी के दो अंक देख रहे थे, आठ में हम आखिर के तीन अंक देखेंगे, आखिर के तीन अंक, आखिर के अगर तीन अंक आठ से कटने चाहिए, चाहे कितनी लंबी चौड़ी सीरीज क्यों ना हो, अगर आखिरी के तीन अंक आठ से कट गए तो आठ से कटेंगे वरना नहीं कटेंगे। जैसे आखिरी के तीन अंक क्या है, 532, 532 को आठ से भाग दो कितने बार जाएगा, आठ सत्ते छप्पन होगा, आठ छंग 48, कितना बचा 13, आठ पाँच 52 बचा, और 52 आठ से नहीं कटता इसका मतलब ये सीरीज नहीं कटेगी। आखिरी के तीन अंक क्या है, 684 भाग करके देख लो, आठ अट्ठे 64 बचा कितना, चार, चार 44 नहीं कटेगी। ऐसे ही से करके देख लो कितना, 62 आठ सत्ते 56 कितना बचा, 663 नहीं कटेगी। आठ से करके देख लो, आठ नम 72 नहीं कटेगी। इसे करके देख लो, आठ इकन 8 कितना बचा, 552 नहीं कटेगी। यानी इसे करके देखते हैं, 8 से 8 पंजे 40 और 16 आठ दूनी 16 ये कट गई तो ये सीरीज आपकी 8 से कटेगी, क्योंकि आखिरी के चार अंक तीन अंक 416 था और 416 8 से कट रहा है भाई, 8 पंजे 40 एक 16 मिला 16 हो गया 8 दूनी 16 ये 8 से कट रहा है। यानी आखिरी के अगर तीन अंक आठ से कट रहे हैं तो वो आठ का नियम लगेगा वरना आठ का नियम नहीं लगेगा, ठीक। इसके बाद पाँच से विभक्त होने का नियम, पाँच से कैसे काटेंगे सुन लो भैया, पाँच का नियम सुन लो। अगर आखिर का कोई अंक, ध्यान सुनना, आखिर का अंक, आखिर का अंक यानी इकाई का अंक कह दो, चाहे चाहे इकाई कह दो, आखिर का अंक जीरो या पाँच हो, क्या हो, जीरो या पाँच, कितनी लंबी चौड़ी सीरीज हो उसके अंत में देख लो जीरो है या पाँच है, या जीरो जीरो है या पाँच है, तो समझ लेना पाँच से भाग दे देना पूरा पूरा कटेगा। इसके अंत में दो या नहीं कटेगा, चार नहीं कटेगा, तीन नहीं कटेगा, ये जीरो आ रहा है, इसे भाग करके देख लो पूरी सीरीज को, ये पूरा पाँच से कट जाएगा, ये नहीं कटेगा, ये नहीं कटेगा, इसके अंत में पाँच आ रहा है तो ये कट जाएगा, ये दो आ रहा तो ये नहीं कटेगा, ठीक है, नियम हो गए। इसके बाद कुछ और नियम है इसी में ही, जो मैथ में भी नहीं है वो मैं आपको बता रहा हूँ। मान लो अब हमें छः से काटना है भाई, छः से कैसे कटेगा तो बताना है, देखो भाई छः से कैसे कटेगा, छः के आप टुकड़े कर लो, छः के क्या कर लो, टुकड़े कर लो, लघुत्तम निकाल दो, यानी दो गुणा तीन, दो गुणा तीन, क्वेश्चन आते ऐसे चार ऑप्शन दे देंगे, कहेंगे कि 45 से बताओ कौन सा कटेगा, तो हम क्या करेंगे 45 का पहाड़ा थोड़े ना पड़ेंगे, 45 को हम इन नियम में तोड़ेंगे, 9 या 5 में तोड़ लो। अब 9 का नियम आपको पता है, 5 का नियम मान लो हमें पता लगाना है कि ये 45 से कट रहा है कि नहीं कट रहा, तो 45 के टुकड़े कर लो 9 गुणा 5 में, अब इसमें 9 का नियम भी लगा दो और 5 का लगा दो, अगर दोनों नियम लग जाते हैं तो समझ लो वो कटेगी, और नहीं लगता, एक लग रहा है एक नहीं, तो नहीं कटेगी, ठीक है।
तो 6 से विभक्त करना क्या हम का क्या काम है, 2 × 3 कर दिया। अब हमें पता करना है कि भाई कोई भी श्रेणी 6 से कैसे कटेगी, तो उसमें 2 का नियम भी लगना चाहिए और 3 का नियम भी लगना चाहिए। अगर 2 और 3 दोनों के नियम उसमें लग रहे हैं तो समझ लो 6 से कट जाएगी, और 1 लग रहा है 1 नहीं या 1 भी तो नहीं कटेगी। अब है 7 का नियम, ये भी बुक में नहीं मिलेगा, अपनी तरफ से बता रहा हूँ भाई। 7 से विभक्त होने का नियम, 7 से विभक्त होने का नियम कैसे पता करेंगे 7 से? देखो ज़्यादातर छोटी संख्या में इसका प्रयोग करते हैं, जैसे हमें पता लगाना ये 7 से कटेगा कि नहीं कटेगा, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ध्यान से लिखते रहना। आखिर की संख्या को दुगना करेंगे, आखिर की संख्या को क्या करेंगे, दुगना। आखिर की संख्या या इकाई कह दो, इकाई के अंक को दुगना करेंगे। इकाई का अंक क्या है, 2, 2 का दुगना कितना होता है भैया, 4। आखिर की संख्या को दुगना करेंगे, या ऐसा कह दो इकाई के अंक को 2 से गुणा करेंगे, और शेष संख्या में से घटा देंगे। शेष संख्या कौन सी, ये जो 88 है, 88 में से 4 घटाओ कितना बचा, 84, और शेष संख्या में से घटा देंगे। और घटाने के बाद जो बचेगा वो अगर 7 से कट गया तो 7 का नियम चलेगा, और नहीं कटा तो नहीं चलेगा। आप देखते हैं ये 84 7 से कटता है कि नहीं कटता, 7 से भाग दो, 7 × 7 और 7 × 14 कट गया, तो समझ लो अब इसमें 7 का नियम लगेगा। एक बार फिर समझ सकते हैं 7 का नियम, जैसे 882 था, ये कैसे पता चलेगा ये 7 से कटेगा, आखिर की संख्या को 2 से गुणा करें, आखिर की संख्या को 2 से गुणा करा कितना आ गया, 4, और शेष संख्या में से घटाएं, शेष संख्या कितनी 88, 88 में से 4 घटाएं कितना बचेगा 84, और जो बचा है जो शेष बचता है वो 7 से कटना चाहिए, तो 7 से कट रहा है भैया, 7 × 7 7 × 14, तो इसका मतलब इस पर 7 का नियम भी लग गया। तो आपके 2 के नियम हुए, 3 के हो गए, 4 के हो गए, 5 का हो गया, 6 का हो गया, 7 का हो गया, 8 का हो गया, 9 का हो गया। अब 11 का नियम और बचा, अंतिम नियम 11 का नियम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान सुनना। 11 का नियम क्या है, जैसे कोई भी सीरीज है 11 से हमें काटनी कि नहीं काटनी, जैसे ये लंबी चौड़ी सीरीज दे दी इन्होंने, ठीक है, ये दे दी इन्होंने, क्या क्या दिया इन्होंने, 6 7 9 5, 6 7 9 5 4 1 6। अब पता लगाना है कि ये 11 से कटेगा कि नहीं कटेगा, तो कैसे करेंगे, इकाई से बाईं ओर चलो, इकाई से बाईं ओर चलने पर सम स्थानों के अंकों का योग और विषम स्थानों के अंकों का योग का अंतर अगर 0 आए, या ऐसी संख्या है जो 11 से कट जाए, तो समझ लो 11 का नियम होगा, और अगर नहीं आया तो नहीं होगा। या फिर ऐसा कह लो, ऐसे याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, एक शॉर्टकट तरीका बताता हूँ, एक छोड़ के एक ले लो, जैसे अगर आपने 6 लिया तो 4 ले लो, 4 लिया तो 9 ले लो, और 9 लिया तो ये ले लो, यानी एक साइड ब्रैकेट में एक साइड, क्या क्या लिया हमने, 6 9 6 9 4 और 6, एक साइड लिया, माइनस जो छोड़े हैं वो एक साइड, जैसे 1 5 और 7, ये एक साइड। ऐसा करने के बाद इन्हें जोड़ लो और इन्हें जोड़ लो, और जोड़ने के बाद घटा लो, और घटाने के बाद अगर 0 आता है, या ऐसी संख्या आती है जो 11 के टेबल में हो, यानी 11 से कट जाए, तो समझ लो 11 से कट जाए, 11 22 33 45 44 ऐसा आता है तो 11 से कट जाएगा। अब जोड़ कर देखते हैं भाई कितना हो गया, 6 और 4 10 और 9 19, और 6 कितने हो गए, 25, कितना है जोड़ के, 25 यानी 25, माइनस इन्हें जोड़ लो, 7 और 5 12 और 1 13, घटा लो, 5 में 3 2 और 1 ये आया 12 आ रहा है, 12 आ रहा है तो नहीं कटेगी, यानी घटा के या तो 11 आना चाहिए था, या 22 33 44 55 66, या फिर 0 आना चाहिए था। अगर ऐसा कुछ आता तो समझ लो कटता, और ऐसा नहीं तो नहीं कटेगा, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट लेक्चर पूरा हो जाता है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि इसका नेक्स्ट पार्ट फिर एकदम आने वाला है तुरंत। धन्यवाद।